ओके गाइस, तो आज है डे 8 और डे 8 का पहला सवाल आईआईटी जेम 2024 से रिलेटेड है। ओके तो चलिए गाइस, डे 8 का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि आईआईटी जेम 2024 क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ X1 एंड X2 ऑन Y, मतलब एक Y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और X1 X2 जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपको जो एक रिग्रेशन मॉडल गिवन है, दैट इज वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस एरर टर्म। ओके, और आपको जो है ओएलएस का एस्टिमेटेड वैल्यूज गिवन है, अल्फा β1 और β2 का, और स्टैंडर्ड एरर भी गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर भी आपको गिवन है। ठीक है, तो गिवन द अबव इंफॉर्मेशन, तो इस सारे इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में बेसिकली आपको जो है सिग्निफिकेंट वैल्यूज चेक करना है कि अल्फा जो है किस परसेंटेज पे, लाइक 1% या फिर 5% या फिर 10% लेवल पे वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को बेसिकली आपको क्या चेक करना है, अल्फा β1 और β2 का जो है आपको स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यूज को चेक करना है कि ये किस परसेंटेज पे सिग्निफिकेंट है। ओके, ये सारे इंफॉर्मेशन को देखते हुए। ओके, तो बेसिकली ओके गाइस, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन तो गाइस समझ में आ गया कि बेसिकली टू डिटरमाइन द स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द कोफिशिएंट गिवन द एस्टिमेटेड एंड देयर स्टैंडर्ड एरर्स टर्म, सो बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट द टी स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, एक जब भी आप कंपेयरिंग, जब भी आप सिग्निफिकेंट लेबल तब बता पाओगे जब आपका एक एस्टिमेटेड वैल्यूज होगा। तो मतलब कि यहाँ पे आपको सबसे पहले टी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू निकालनी है सारे कोफिशियंट टर्म्स का, फिर उसको जो है कंपेयर करना है क्रिटिकल वैल्यूज से। ठीक है, एंड देन जो फिर आपको डिसाइड करना है कि वो किस वैल्यूज पे जो है स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है। ओके ओके, ठीक है, और हम लोग जानते हैं गाइस कि जो टी स्टेटिस्टिक्स होता है, टी स्टेटिस्टिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज टी स्टेटिस्टिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एस्टिमेटेड। ठीक है, दैट इज एस्टिमेटेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ओके, तो आपको गिवन है कि जो फॉर अल्फा का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है, 2.30, और स्टैंडर्ड एरर क्या है, 1.15। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से टी अल्फा का स्टेटिस्टिक्स वैल्यू निकाल सकता हूँ, टी अल्फा, सो टी अल्फा इज इक्वल टू, और टी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेटेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग लिखेंगे 2.30 डिवाइडेड बाय 1.15। ठीक है, 1.15, तो यहाँ से आपको जो है टी वैल्यूज आ जाएंगे अल्फा का, उसी तरह से टी बीटा वन आ जाएगा। ठीक है, दैट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड क्या है, 0.39, सो 0.39 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, दैट इज 0.13। उसी तरह से टी बीटा टू क्या आएगा, 1.80 डिवाइडेड बाय 1.0। ठीक है, तो यहां से जो आपका सारे टी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यूज आ जाएंगे अल्फा बीटा वन और बीटा टू का। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा टी अल्फा, ठीक है, टी अल्फा का आपको वैल्यू आएगा 2। ठीक है, अप्रॉक्स 2 आएगा। ओके, सो इसकी वैल्यू आएगा 2 और इसका वैल्यू आएगा 3, जब जस्ट इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो, और इसका वैल्यूज आएगा 1.80। ठीक है, तो फॉर अल्फा के लिए जो टी अल्फा का वैल्यू कितना आया, 2, उसी तरह से फॉर बीटा वन, टी बीटा वन का वैल्यू क्या आया, 3, और फॉर बीटा टू
टी बीटा टू का वैल्यू कितना आया, दैट इज 1.80। ओके, यहाँ तक तो गाइस हम लोगों ने जो भी टी वैल्यूज था हम लोगों ने एस्टिमेटेड कर लिया। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपको सिग्निफिकेंट वैल्यूज निकालना है कोफिशियंट टर्म का, तो आपको कंपेयर करना है जो आपने स्टेटिस्टिक्स यूज किया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टी स्टेटिस्टिक्स यूज किया, तो टी स्टेटिस्टिक्स और जो उसकी जो क्रिटिकल वैल्यूज है उस परसेंटेज लेवल पे, ठीक है, उस परसेंटेज लेवल पे। ओके, और यहाँ पे जो आपको यह हिंट भी है कि आपने जो सैंपल यूज किया है वो सैंपल जो है दैट एस्टिमेटेड यूजिंग अ लार्ज सैंपल, ठीक है, तो आपको हिंट है कि आप यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जेड वैल्यूज को आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी कंपेयर दिस टी स्टेटिस्टिक्स विद द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेवल, एंड फॉर लार्ज सैंपल वी टिपिकली यूज द क्रिटिकल वैल्यूज फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब जेड वैल्यूज। ओके ओके, और गाइस हम लोग जानते हैं कि 1% लेवल सिग्निफिकेंट की वैल्यूज क्या होती है, एट 1% लेवल पे जो है जेड की वैल्यूज कितनी होती है, दैट इज 2.58, और 5% पे जेड की वैल्यूज क्या होता है, दैट इज 1.96, और 10% पे जो है सिग्निफिकेंस लेवल जो जेड की है वो कितनी होती है, दैट इज 1.645, ठीक है। ओके गाइस, अब टी वैल्यूज पता चल गया और आपको जो क्रिटिकल वैल्यूज 1%, 5% और 10% पे पता चल गया। अब दूसरा काम क्या है कि इसको कंपेयर करना, फिर कंपेयर के अकॉर्डिंग जो है फिर हम लोग बोलेंगे कि अच्छा इस वैल्यूज पे जो सिग्निफिकेंट है। ओके, अब मैं बात करता हूँ अल्फा का, ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, और 1% क्या है, 2.58, मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरी क्रिटिकल वैल्यूज है और ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यूज है, ठीक है, ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यूज है, ठीक है, बाय यूजिंग टी स्टेटिस्टिक्स। तो जैसे 2 है तो ये तो छोटा है ना, 2 छोटा है 2.58 से, बट हाँ 2 बड़ा है 1.96 से, ठीक है, बड़ा है 1.96 से, मतलब टी की वैल्यूज कहीं यहाँ पे बीच में, इसके बीच में आएगा, ठीक है, इसके बीच में आएगा। तो अगर मैं इसके जस्ट नियरेस्ट अगर कंपेयर करूं कि एट 5% पे, तो जब भी अगर क्रिटिकल वैल्यूज लेस देन एस्टिमेटेड वैल्यूज होती है तब जो हमारी वैल्यूज क्या होती है कि वो सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, 1.96, और एस्टिमेटेड वैल्यूज क्या है, 2 है, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है इस कंडीशन को, तो मतलब हाँ कि जो अल्फा है वो 5% पे, 5% पे क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। बट हाँ अगर आप 2.5 यूज करो तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2.5 से जो कि बड़ा हो जाएगा, तो इस एक कंडीशन को जो है फिर फॉलो नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे जो जो मेन चीज है, जो मेन क्रक्स है कि अगर क्रिटिकल वैल्यूज लेस देन आपने जो भी एस्टिमेटेड स्टेटिस्टिक्स आपने यूज किया है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टी स्टेटिस्टिक्स यूज किया है, ठीक है, तो इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यूज अगर कम आती है, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज इज लेस देन एस्टिमेटेड वैल्यूज, देन हम लोग इसको बोलते हैं कि हाँ ये जो मेरी वैल्यूज है दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ से पता चल गया कि अल्फा जो है वो 5% लेवल पे सिग्निफिकेंट है। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं बीटा का, ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं बीटा का वैल्यूज को। बीटा 1 की जो वैल्यूज है वो 3 है, ठीक है, अगर मैं 1% पे चेक करूं, ठीक है, 3 कहीं यहाँ पे आएगा। ओके, ये दोनों को कंपेयर करो तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज 1 है जो कि लेस देन आपका एस्टिमेटेड वैल्यूज है, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यूज 3 है, ठीक है, तो मतलब कि जो बीटा 1 है वो 1% लेवल पे सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बीटा 1 जो है 1% लेवल पे सिग्निफिकेंट है। ओके, उसी तरह से अब मैं बीटा 2, ठीक है, अब मैं बीटा 2 यहां से निकाल सकता हूँ। ओके, तो बीटा 2 गाइस जो लास्ट ऑप्शन हुआ दैट इज बीटा 2,
आपका 10% पे होगा, ठीक है, बीटा टू आपका 10% पे होगा। तो यहाँ पे जो कि एक ऑप्शन आपका गिवन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कि अल्फा इज से स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट 5%, बीटा 1 इज 1% और जो बीटा 2 है वो 10% पे होगा, ठीक है। तो गाइज बेसिकली जो इस क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स है वो आपको इस टाइप के टेबल गिवन अगर है लाइक एस्टिमेटेड वैल्यूज और स्टैंडर्ड एरर, तो आपको समझ जाना है कि सबसे पहले आपको टी स्टेटिस्टिक्स निकालना है, ठीक है, टी स्टेटिस्टिक्स। और टी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यूज क्या होता है, टी का वैल्यू क्या होता है, एस्टिमेटेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, और यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, गिवन है। फिर देन जो है आपको यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या होगा, तो फॉर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो है सबसे पहले आपको टी वैल्यूज निकालना है, फिर उसके बाद आपको क्रिटिकल वैल्यूज निकालना है, ठीक है, और फिर दोनों को कंपेयर करना है, और स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कब होगा, जब क्रिटिकल वैल्यू लेस देन एस्टिमेटेड वैल्यूज होगा तब ये सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो सारे इंफॉर्मेशन को गाइज देखते हुए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ओके, सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये डे 8 का क्वेश्चंस था, फिर हम लोग मिलते हैं डे 9 में कुछ अलग क्वेश्चन के साथ, ओके ओके गाइज, थैंक यू।